क्या यूपी में बीजेपी वापसी कर रही है या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? तो दोस्तों वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अपनी ताकत में इजाफा करने लगी हैं। वहीं छोटे दल आरएलडी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यहां पर जबरदस्त लीड के साथ अपना चुनावी विगुल फूंक चुकी है। तो दोस्तों जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की जनता के मूड में इस बार कौन सा नेता है। आप ऐसा न्यूज पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज दोस्तों अपने वीडियो के नीचे के लाल बटन दिया और जिस पे क्लिक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में छोटा सा नन्हा सा बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टियों को भी यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं भदोही की। भदोही की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं महाराजगंज की 5 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1, अन्य पार्टी को 1, बीएसपी और एसपी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गोंडा की। गोंडा की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, तो वहीं 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर बीजेपी 13 सीटों पर, समाजवादी पार्टी खाते में 5, बहुजन खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। यहाँ पर बीजेपी 13 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी, तो समाजवादी पार्टी खाते में 5, बीएसपी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से यहाँ पर 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। देवरिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बदायूं की। बदायूं की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिजनौर की 8 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर 8 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को भी यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीटों के। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 6 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है, अन्य और बीएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 6, बहुजन खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 55 विधानसभा सीटों का सर्वे आप किस क्रम देख पा रही है। बीजेपी खाते में यहाँ पर 30 सीट है, तो समाजवादी पार्टी खाते में 16 सीट, बहुजन खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। अब तक के ओपिनियन पोल की बात की जाए तो यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बांदा की 4 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बलिया की। बलिया की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आगरा की 9 विधानसभा सीटों की। 9 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बलरामपुर की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अमेठी की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में यहाँ पर 0 सीट, बीएसपी खाते में यहाँ पर 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर संतुष्ट होना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा
लोकसभा सीटों में से उत्तर प्रदेश की 89 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 49, समाजवादी पार्टी खाते में 26, बहुजन खाते में 10, कांग्रेस पार्टी खाते में 3 और अन्य पार्टी को यहाँ पर एक सीट मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर 49 सीटों पर दूसरे नंबर की पार्टी समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 10 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अब चित्रकूट की 2 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फरुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर 9 में से 5 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं पीलीभीत की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 116 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 68 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी 68 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन खाते में 12, कांग्रेस पार्टी खाते में 4 और अन्य पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है बीजेपी, 30 सीटों पर समाजवादी पार्टी। अब तक के मामले को देखा जाए तो यहाँ पर 116 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है जौनपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अन्य पार्टी को भी 0 सीट, 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है। कुशीनगर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, एसपी खाते में समाजवादी पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं संबल की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 2 सीट, कांग्रेस, बीएसपी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर अन्य पार्टी को जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं श्रावस्ती की 2 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी खाते में 0, एसपी खाते में 1 सीट, बीएसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 149 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 85 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी खाते में 40 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 15 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीट, अन्य पार्टियों यानी छोटे दलों को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना स्थायी जा रही है। अब तक की 149 सीटों में से 85 सीटों पर जबरदस्त लीड के साथ बीजेपी यहाँ पर पहले पायदान पर बैठी हुई नजर आ रही है। बात कर लेते हैं झांसी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। रायबरेली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटें, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1-1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। चंदौली की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। 168 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर जबरदस्त लीड के साथ 97 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में 44, 17 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 97 सीटें और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को यहाँ पर 44 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं बरेली की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर
समाजवादी पार्टी, एक पर बहुजन समाजवादी पार्टी। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से यहाँ पर 3 सीटों पर बीजेपी, 0 सीट पर समाजवादी पार्टी, बहुजन के हाथ में 2 सीट जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 198 सीटों का सर्वे आप की स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में यहाँ पर 116 सीटों को पार करते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी खाते में 52, बहुजन खाते में 20, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 42% बीजेपी यहाँ पर सबसे ऊपर, एसपी खाते में 30, बीएसपी खाते में 16, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, अन्य पार्टी को यहाँ पर 7% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ पर 42% के साथ जबरदस्त लीड कर सकती है, यानी बीजेपी को यहाँ पर अच्छा खासा बहुमत प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर समाजवादी पार्टी 30%, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 16%, कांग्रेस पार्टी खाते में 5 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 7% वोट शेयर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल की बात की जाए तो वही बात कर लेते हैं किस नेता को, यानी कौन सा सीएम लोगों को पसंद आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 40% लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यहाँ पर 28% लोगों को पसंद आ रहे हैं, तो वहीं बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी की मायावती को यहाँ पर 15% लोग पसंद कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को यहाँ पर 3% लोग पसंद कर रहे हैं। जयंत चौधरी को यहाँ पर, यानी आरएलडी के जयंत चौधरी को यहाँ पर 2%, अन्य पार्टी को यहाँ पर 12% जबरदस्त लीड मिल सकती है अन्य पार्टी को। तो दोस्तों यहाँ पर बीजेपी यानी योगी आदित्यनाथ को 40% जनता वापस सीएम बनता देखना चाहती है, तो वहीं अखिलेश यादव यहाँ पर 28% के साथ वापस जनता सीएम देखना चाहती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों की, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी तो 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं हाथरस की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से बीजेपी का तमें 6 सीट है, समाजवादी पार्टी का तमें 1 सीट है, बहुजन समाजवादी पार्टी का तमें 1 सीट, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी का तमें 131, समाजवादी पार्टी का तमें 56 सीटें, 24 सीटें बहुजन समाजवादी पार्टी का तमें 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी का तमें अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 सीटें। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को 131 सीटों पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं बागपत की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। बात कर लेते हैं मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 1 पर बीजेपी, 5 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। मोकी 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिलने की संभावना की जा रही है। बात कर लेते हैं बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। इटावा की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। जी हां दोस्तों उत्तर प्रदेश की 244 सीटों का सर्वे आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। बीजेपी यहां पर जबरदस्त लीड के साथ 141 सीटों पर, 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी को यहां पर 29 सीटें और कांग्रेस पार्टी का तमें 6 और अन्य पार्टी को यहां पर 5 सीटें मिलने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। बात कर लेते हैं मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर बीजेपी का तमें 3 तो समाजवादी पार्टी का तमें 3 सीटें, कांग्रेस बहुजन और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटें और तीनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जीत हासिल कर सकती है। मैनपुरी की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। मथुरा की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 267 सीटों का सर्वे आपकी
में देख पा रहे हैं बीजेपी यहाँ पर 155 सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। 71 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, तो वहीं 29 सीटों पर मायावती को मिल सकती है जीत, और कांग्रेस पार्टी का तमें 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिल सकती है। बात कर लेते हैं उन्नाव की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। और ये की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटें, 2 में से 1 2 की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी। सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं रामपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 2 सीटों पर बीजेपी तो 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 291 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 171 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 78 सीटें, बहुजन खाते में 31, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। बीजेपी के योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर 171 सीटों पर बड़ी जीत यानी बहुमत के बहुत करीब पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो वही बात कर लेते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीटें, 5 में से यहाँ पर 4 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, एसपी खाते में 0, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के भी यहाँ पर 0-0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बराइच की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 319 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी खाते में 189 सीटें, पीछे सीटें समाजवादी पार्टी खाते में 33 सीटें, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 7 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में अन्य पार्टियों को यहाँ पर 5 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों के, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी। शामली की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से बीजेपी खाते में 1, 2 समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, बहुजन के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की 5 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 1, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 सीट पर जीत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं सुल्तानपुर की 7 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 0, बहुजन खाते में 2, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं ललितपुर की 2 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर बीजेपी खाते में दोनों सीटें जीतने का मौका मिल सकता है, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 341 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर बराबर 200 सीटों पर लीड मार सकती है, यानी बराबर की बराबर 200 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी यहाँ पर बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब यानी इक्का दुक्का सीट से बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार में वापसी कर लेगी। तो वही 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 39 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटों पर जीत हासिल होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से 3 पर बीजेपी, 0 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। महोबा की 2 विधानसभा सीटें हैं, दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े जिले के बारे में, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटें हैं, 12 में से 7 पर बीजेपी, 4 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को भी यहाँ पर 0-0 सीट। बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीटों के, यहाँ पर 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी
पार्टी को यहाँ पर 00 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से 367 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर 217 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 91 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 44 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी का 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 6 सीटें मिलने की संभावना स्थाई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीटें हैं, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। अलीगढ़ की यानी हरिगढ़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी को यहाँ पर 00 सीट है। दोस्तों बात कर लेते हैं गोरखपुर की। जी हाँ दोस्तों, गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 00 सीट है। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर बहुजन, 1 पर अन्य पार्टी, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर अयोध्या में 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, जीत हासिल कर सकती है। बात कर लेते हैं मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बहुजन कांग्रेस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 00 सीट है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 241 सीटें, 100 सीटें समाजवादी पार्टी खाते में, 46 सीटें बहुजन खाते में, 9 सीटें कांग्रेस पार्टी खाते में, 7 सीटें अन्य पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपको यह ओपिनियन बता दिया गया है और यहाँ पर योगी आदित्यनाथ फिर से सरकार में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, न ही